अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शाहबाज अशरफी। बहुत पहले मैंने एक वाकया सुनाया था कि हज़रत मखदूम सुल्तान सैद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सरफुद्दीन यहिया महनेरी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई थी और वहाँ जो जो वाकया पेश आए, करामत पेश आए, वो आपको बताया था। ये भी बताया था कि हज़रत यहिया महनेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो हाथ था वो कब्र से बाहर आ गया था। आप में से बहुत से लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वाकया है। आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि उस वाकये के बाद आगे क्या हुआ और क्या वाकया पेश आए और क्या करामतें जाहिर हुई। तो हुआ कुछ ऐसा कि हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद हज़रत मखदूम सुल्तान सैद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं के मज़ार के पास रात में रुके। रात में जब हज़रत मखदूम सुल्तान सैद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह तन्हाई में बैठे थे, तभी अचानक से हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह रूहानी ताकतों से, या यूँ कहिए कि उनकी जो रूहानियत थी, वो हुजूर मखदूम पाक के सामने आई और उन्हें बहुत सी रूहानी इल्म अता किए। साथ में उन्होंने फरमाया कि ऐ अशरफ, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से एक खिरका मिला है जो तोहफे के रूप में मैं वो तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मेरे मुरीदों और खलीफों से वो खिरका मांग लेना। जब सुबह हुई तो हज़रत मखदूम सुल्तान सैद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मुरीदों उनके खलीफाओं से वो खिरका मुबारक मांगा। हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और मुरीद ये सुनकर हिचकिचाने लगे। हज़रत मखदूम सुल्तान सैद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों की असमंजस को समझते हुए कहा कि काम करो, जो खिरका मुबारक है उसे हज़रत की मज़ार पे रख दो, जिसके भी नसीब में होगा वो उसे उठा लेगा। तो सभी इस बात पे राज़ी हो गए और खिरकाए मुबारक को लाकर हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे रख दिया गया। उसके बाद खलीफाओं ने और मुरीदों ने एक एक करके कोशिश की उस खिरकाए मुबारक को उठाने की, मगर कामयाबी किसी को नहीं मिली। ऐसा लगता था जैसे खिरकाए मुबारक को कब्र ने बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है। कोशिश बहुत बार की गई मगर कोई उठा नहीं पाया और आखिरकार हज़रत मखदूम सुल्तान सैद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ बढ़ाया और एक फूल की तरह उसे उठा लिया और उसे पहनकर वहां से रवाना हो गए। खिरकाए मुबारक को पहनने के बाद हज़रत मखदूम सुल्तान सैद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह पर अजीब व गरीब कैफियत तारी हुई और उसी कैफियत के आलम में वो सफ़र करते हुए पांडवा शरीफ के करीब पहुँच गए। तो ये था सारा वाकया। अगर वाकया आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं अशरफी हम यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शाहबाज अशरफी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।